told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट RJA500 फिर से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ हाजिर है। बड़े लोग देख रहे हैं, डक्की भाई की शादी हो गई है यार। वैसे डक्की का ना व्लॉग देख के बंदा एक्साइटेड हो जाता है, बड़ी जोश है उसके अंदर। आज हमारे एक ऐसे ही एक्साइटेड भाई हमारे साथ मौजूद होंगे और आज हम 40K, 50K, 60K के बजट के अंदर ना बिल्ड्स कवर करेंगे। इस वक्त मैं ZA पे मौजूद हूँ और ये जो शॉप है ना गाइस जेफ हाइट्स में, आपको मेज़नाइन फ्लोर पर नज़र आएगी। आप जैसे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे राइट नहीं लेफ्ट होना है, लेफ्ट साथ ही आपको हम माल में नजर आएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके साथ और गेमिंग करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से दो वक्त तीसरा टेक है हमारा। मोस्टली हम ऐसे करते नहीं है लेकिन टेक गाइस लेने चाहिए, वक्फा जरूरी है लाइफ के हर हिस्से में। सर कैसे हैं आवाज भाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने इनविटेशन दिया हमें और कीमती टाइम अपना दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और सेकंडली मैं कहना चाह रहा था बड़ा अच्छा रिस्पांस आया आपका। हाँ वो सारी आपकी बदौलत है, आप हाँ। आपकी ऑडियंस ने हमें थोड़ा प्यार दिया तो इसलिए सर आप भी प्यारे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम अकेले नहीं, आप भी प्यारे हैं ऑडियंस के साथ साथ। और आज फिर आपने खुद ही बताया था कि पिछली वीडियो को मद्देनजर रखते हो, आज की वीडियो को हम लिंक करेंगे कि लोग कह रहे थे कि थोड़े पैसों में हमें अच्छी चीज चाहिए। हाँ। ये तो सबको चाहिए। बिल्कुल, लास्ट वीडियो का जो एनालिसिस था उसके रिलेटेड अब हमने दूसरी वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी और आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको बिल्ड दी जाए। ऑब्वियसली तो चलते हैं बिल्ड की तरफ चलते हैं गाइस। सबसे पहले बताएं कि मदरबोर्ड कौन सा यूज करने जा रहे हैं। मदरबोर्ड हम इसके अंदर पहले हम यूज कर रहे हैं A61M, ठीक है, ये थर्ड जन का मदरबोर्ड है, पाकिस्तान में यूज नहीं है बट ये चाइना से इम्पोर्ट करवाया गया है। ठीक है, थर्ड जन का है ये और इसके अंदर i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ साइड पे आप आ जाए तो ये H81M जो सा है ये मदरबोर्ड है, ये फोर्थ जनरेशन के साथ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और ये भी चाइना से डायरेक्ट इम्पोर्ट है, ये पाकिस्तान में यूज नहीं है ये वाले बोर्ड। ओके हो गया। अच्छा, इसमें आप आज यहाँ की बिल्ड में हम दो चीजें करने जा रहे हैं, आपने कहा थर्ड जन भी कवर करेंगे और फोर्थ जन के साथ, दोनों ऑप्शन आपने मदरबोर्ड के दे दिए हैं, तो फिर इन्हीं के मुताबिक फिर आगे मतलब बजट आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफिक कार्ड आपने रखा हुआ है, कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे? ये बेसिकली 1030 है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव बट आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करेगा, लेकिन उसी के बरक्स अगर हमने थोड़ी सी आपकी परफॉर्मेंस है उसको अगर थोड़ा बढ़ाना है तो उसके साथ हमने फिर 964GB का कार्ड है, ठीक है, ये हमने आप लोगों के लिए सजेस्ट किया है। और इसके अलावा अगर आपका थोड़ा बजट डाउन है या फिर बजट थोड़ा अप है तो उस लिहाज से फिर हम आपको कार्ड भी रिकमेंड भी करेंगे जो आपकी काम की रिक्वायरमेंट्स हैं उस लिहाज से। यदि ये 4GB का सूस का एक कार्ड है, कंडीशन वाकई ही साफ सुथरी है। और ये कितने का है सर? ये 22,500 में आपको ये कार्ड कॉस्ट करेगा विद बिल्ड। ठीक हो गया। और ये मदरबोर्ड्स की मैंने तो प्राइस पूछी नहीं, इसकी पूछ सकते हैं? हाँ पूछ सकते हैं। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे स्पेक्स के साथ आपको प्राइसेस भी मिलेंगे, प्राइसेस मिल जाएंगे, लेकिन ये जो थर्ड जनरेशन का बोर्ड है विद प्रोसेसर, ये कॉम्बो आपको जो मिल रहा है ये आपको मिलेगा 8,500 रुपीज। ठीक है, 8,500 का। और ये जो उनका है ये वाला मदरबोर्ड, फोर जन का मदरबोर्ड है और ये प्रोसेसर के साथ i5 फोर्थ जनरेशन के साथ आपको ये कॉस्ट करेगा 12,000 रुपए का। ठीक है, 12,000 का। अच्छा, साथ ही ये बातें होगी, केसिंग हमारी रहती है, अभी वो भी रहती है, रैम भी रहती है, SSD भी रहती है, पावर सप्लाई भी रहती है। पावर सप्लाई पे आ जाए, पावर सप्लाई की तरफ ये देखे, ये मार्स गेमिंग की पावर सप्लाई है, ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन हम आपको 600 वाट की पावर सप्लाई लगा के देंगे मार्स गेमिंग के अंदर ही। ठीक है, 80 प्लस गोल्ड में वो कितने की होगी? वो आपको कॉस्ट करेगी 4,500 रुपीज की। ठीक है, 4,500 रुपीज की। ठीक है, नेक्स्ट उसके साथ ये ब्रांड न्यू SSD है 128GB की। ठीक है, ये SSD आपको कॉस्ट करेगी 3,000 रुपीज की विद 2 ईयर वारंटी। अगर कोई खराबी वगैरह पैदा होती है तो मैं आपको फौरन रिप्लेस करके दूंगा। ठीक हो गया। अपना क्या अमार भाई कहने लग गया था, हमाद भाई मुझे लोकेशन तो बताएं कहाँ पे हैं हम इस वक्त? लोकेशन यही जेफ हाइट्स गुलबर्ग 3 में है। ठीक है, और आप जैसे इसका फर्स्ट फ्लोर ऊपर आएंगे तो आपने सेकंडली आपने ये लेफ्ट साइड पे चेक करना है। ठीक है, आपको ZA Tech की शॉप नजर आ जाएगी, M91 शॉप नंबर है गाइस। ये इनकी प्यारी सी खूबसूरत सी
हमाद भाई की तरह आपको ऐसे ही यहाँ पे हंसते नजर आते हैं, मिलेंगे जब आए, जब खाना खा रहे हो ना तब आइएगा, फिर मतलब जाओ यार बंदा सुला भी मार ही लेता है। नहीं भाई मैं जब जब भी आता हूँ ये मुझे खाना खिलाते हैं पहले, कहते बैठे आप खाना खाएं फिर आप काम करें हमारे साथ। मैंने कहा सर मोहब्बत है आपकी। अच्छा हमारे भाई साथ केसिंग की भी बात कर लेते हैं, रैम आप 8 GB यूज करने जा रहे हैं, रैम इसके अंदर 8 GB यूज होगी, ठीक है, और उसके अपग्रेड करवानी तो अपग्रेड भी करवा सकते हैं, अपग्रेड करवा सकते हैं अगर आपका बजट थोड़ा साफ है। हां लेट्स से 16 GB की आपकी रैम मैं देख रहा हूं, बैक सारे बड़ी चीज तो वो 16 GB भी लगवा सकते हैं। हां बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ये DDR4 में है और इन ये जो बोर्ड्स हैं ये DDR3 सपोर्ट करते हैं, तो DDR3 में भी 16 GB लग जाती है, लग जाती है जी, लग जाती है, ठीक है। केसिंग बेसिकली लोग चाह रहे थे कि हम थोड़े से पैसे खर्च रहे हैं तो हमें थोड़ा सा शशका भी मिले, तो हमने उनके लिए रिकमेंड किया ये थंडर की सिग्नेचर, ये वाइट कलर में है, साइड से टेम्पर्ड ग्लास है, पीछे RGB एक फैन है और फ्रंट पे एक RGB स्ट्रिप है। ये सामने ये भी अभी बंद है ना? जी बिल्कुल बंद है, और जब ये आप जब चलाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी लाइटिंग जो है वो दिल को भाती है, दिल को भाती है, अच्छी लगती है ऑब्वियसली। मतलब ये जो स्टाइल भी है ना जो दरमियान से बिल्कुल उन्होंने टेढ़ा करके उसको बनाया हुआ रेनबो टाइप जो है लाइन, वो भी एक्रेलिक लुक है इसका, थंडर का ये वाइट केसिंग है, वाइट केसिंग ठीक हो गया। और ये अगर केसिंग स्पेसिफिकली प्राइस की बात करें तो कितना जुर्माना कर रहे हैं ये बेसिकली जो केसिंग की प्राइस है हमारे प्यारे व्यूअर्स को 9000 चल रही है मार्केट में, जैसे आप प्यारे हैं देख लीजिएगा, हाँ मार्केट में 9000 रुपीज इसकी प्राइस चल रही है, तो जो आपके रेफरेंस आएगा हम उसको 8500 रुपीज में, 8500 आप यहाँ से जेड से हमाद भाई से ये जो है हासिल कर सकते हैं, ठीक होगा। केसिंग भी हो गई है मेरे ख्याल से, कुछ रहता तो होता है नहीं, बेल्ट का भी हो गया, बेल्ट का तो सारा कुछ सामान पूरा हो गया। अच्छा कूलर स्टॉक, कूलर को लगाना हो या वैसे कोई स्टॉक, जो इसके ऊपर ये कूलर लगा आता है इंटेल का वही इसके ऊपर भी यूज होगा और वही इस पे भी यूज होगा, ठीक हो गया। अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा सा शशका करना है तो फिर इस टाइप के कूलर्स आते हैं, वो अलहदा से एक्सपेंस है, ठीक है, परफॉर्मेंस तो बेसिकली है इनकी लेकिन उसके साथ साथ शशका भी लगा भी सकते हैं। अच्छा आप मुझे बताएं ये थर्ड जेन के साथ मुझे एक्यूरेट बताएं कितने की बिल्ड बनेगी मेरी थर्ड जेन में, ये मदरबोर्ड, ये थर्ड जेन के साथ आपकी जो बिल्ड बनेगी अप्रोक्सीमेटली टोटल जो इसका जो इनवॉइस है वो आपको तकरीबन कोई 35 से 40K के अराउंड बनेगी, ठीक है। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? उसके अंदर i5 थर्ड जनरेशन होगी विद मदरबोर्ड, 8 GB रैम होगी, 128 GB SSD होगी, 600 वॉट की पावर सप्लाई होगी और इसके अलावा ये थंडर की सिग्नेचर ये और ग्राफिक कार्ड इसके अंदर हम 750 Ti या 964 GB यूज करेंगे, ठीक हो गया। और देन इसमें 4th gen के साथ जाएं तो फिर कितने की बनेगी? 4th gen के साथ अगर आप जाते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 50K के अराउंड आती है, 50,000 की। इसके अंदर i5 4th generation मदरबोर्ड, इसका 8 GB रैम, 964 GB और इसके अलावा 128 GB SSD और पावर सप्लाई एक्सेट्रा जो भी इसके अंदर, ठीक है। और केसिंग वही है, सेम है? हाँ केसिंग आप दोनों में से जो भी चूज कर लें वो आप पर है, ठीक है। और दूसरे की केसिंग की क्या प्राइस है? सेम प्राइस है 8500। थैंक यू सो मच सर हमाद भाई, इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट किसी ब्लॉग में जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। और गाइज लाजमी फीडबैक दीजिएगा अपना कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमाद भाई पकड़ेंगे मोबाइल अब और हम इसको फिनिश करते हैं वीडियो को। गाइज इस वक्त आपका दोस्त आपका होस्ट, ये गुड वाइब्स ओनली दिखाएं जरा, ये बड़ी यार अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने बैक साइड भी इसको देख के गुड वाइब्स लेते रहते हैं। और बाकी इनकी ये आपने खुद बनाया था ये वाला? जी ये इनकी खुद हैंडमेड है सारे, एनिमेशन है इन्होंने बनाई हुई है। बड़ा ये किस पे, गत्ते पे बनाया हुआ है किसी पे? नहीं ये कैनवास है, कैनवास है, अब वो बहुत अच्छा बना हुआ है। बाकी है जरा मैं बाहर से दिखा दूँ थोड़ी सी लोकेशन, यहाँ लोगों को नहीं पता लगता प्लाजे का। ये प्लाजा है जी गाइस जेफ हाइट्स, इस वक्त हम जेफ हाइट्स में, ये सीढ़ी है आप दिखा सके कैमरामैन, ये सीढ़ियाँ बाहर जाती हैं बिल्कुल, ठीक है। सामने मेन बुलेवार्ड है गुलबर्ग, और साथ ही आपको मिलेगी जी जेडे टेक एंड गेम्स हमाद जुल्फकार। जेडे बेसिकली जो है इनके फादर का नेम है और लोगों इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ठीक है सर ज़्यादा जाते हैं गाइस। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, इस वक्त आपका दोस्त आपका उस RJA500 जेडे टेक एंड गेम्स से ज़्यादा जाता है। लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.